हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिश्र जी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये दो दिन पहले की वीडियो है छोटी सी, जिसमें कि मैं बना रही हूँ छोला और बिना टमाटर के, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो मैंने सोचा कि सिर्फ ऐसे ही प्याज का सिर्फ बना के देखते हैं कैसा टेस्ट आता है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। टमाटर मैं पीस के डालती हूँ ना, तो उसका थोड़ा सा ग्रेवी अच्छा आ जाता है इसलिए। और इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है कि प्याज को और लहसुन को काट के और लहसुन को छील के अच्छे से फ्राई कर लिया। बहुत ज़्यादा भी नहीं, आप देख ही सकते कि किस टाइप का मैंने फ्राई किया है। और उसके बाद उसको मैंने ठंडा करके पंखा के नीचे रख दिया था कुछ देर के लिए। और उसको ठंडा करने के बाद मैंने उसको मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है। और जो बाकी भी मसाले होते हैं ना, वो सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर लूँगी, जो भी छोले में डाले जाते हैं यूजली यूज़ में मसाला जो यूज़ आता है वही सब। बाकी अलग से तो कुछ लगता नहीं है, और मसाला जितना भी बना उतना टेस्टी लगता है। छोला ऐसा चीज़ है, यह उसमें मसाला जितना रहता है उतना अच्छा लगता है, और इतना भी ज़्यादा नहीं कि पूरा भर भर के, तो वो भी थोड़ा नुकसान करेगा। और ये तेज पत्ता है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तेज पत्ता गंदा है, इसलिए मैंने कपड़े से उसको पोंछ लिया है। और कढ़ाई में मैंने दो चार लौंग रखे हैं और दो तेज पत्ता डाला है। और इसके बाद मैं जो भी मसाले हैं ना, मैंने प्याज को जो मिक्सर में पीसा था उसको, उसमें मैंने जो भी मसाले हैं उन सबको मैंने उसमें मिला लिया है, मिला के। और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि वो मसाला जो है अच्छे से फूलते रहेगा और वो जलेगा नहीं मसाला पानी में डाल के रखने से। ये देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है। और कढ़ाई भी बहुत गर्म हो ही चुका था, क्योंकि इसमें मैंने प्याज भी फ्राई किया था, तो मैंने गैस को बंद भी नहीं किया था और लगे हाथ सब कुछ कर रही थी। तो ये मसाले को मैं अच्छे से एकदम फ्राई करूँगी। और ये देखिए ग्रेवी इसका बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि और ये छलनी नीचे गिर गई थी, बच गया था मेरा कपड़ा, नहीं तो पूरा मेरा कपड़ा ख़राब हो जाता। और नमक भी मैं साथ साथ डाल लूँगी ताकि वो मसाला अच्छे से पक भी जाए और टाइम भी ज़्यादा ना लगे इसलिए। और इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी गैस कम करके। और मैं अभी जा रही थोड़ा रूम में, क्योंकि बहुत गर्मी हो रहा था वहाँ पे, थोड़ा सा आराम करूँगी। और मैंने छोला भी डाल दिया था, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि किसी का फ़ोन आ गया था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और 9 बज रहे हैं। अच्छा, और ये जो वीडियो है ना, ये आज सुबह की वीडियो है जिसमें मैं सुबह सुबह चाय बना रही थी, दूध फट गया था, तो दोबारा जब दूध आया था ना तब का है। और ये देखिए सुबह सुबह मैंने सब्जी में बनाया है, आलू और बोती का सब्जी बनाया है। और सारा काम हो गया है, तो फिर मैं थोड़ा सा पूजा वूजा भी करती हूँ, तो वो सब भी मैं थोड़ा सा करी थी। ये मेरे भगवान जी हैं, और अब मैं आ गई हूँ किचन में जल्दी जल्दी बाकी सब जो काम है वो सब करने के लिए। और ये देखिए जल्दी से मैंने, क्योंकि गर्मी भी लग रहा था घर में, तो मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया। और ये देखिए मैंने आंवला नहीं, इसको अमरा बोलते हैं हमारे इधर ना, अमरा बोलते हैं, तो इसको मैंने धो के अच्छे से काट लिया है बीच बीच दो फाँक करके। और कढ़ाई में मैंने पंचफोरन डाला है, और कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने दिया है। और ये अमरा जो मैंने काटा था वो तेल में डाल के अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और साथ ही साथ मुझे मिर्ची भी डालना था, मैं भूल गई थी, फिर मैं बाद में मिर्ची को डाली थी। और ये देखिए मसाले में मैंने क्या क्या लिया है मैं आपको बता देती हूँ। सरसों लिया है मैंने, और लहसुन लिया है, और बाकी जो घर के मसाले होते हैं ना डेली यूज़ वाले, वही सारे मसाले मैंने लिया है, लेकिन ख़ास करके सरसों इसमें मैंने लिया है और लहसुन लिया है। और ये देखिए मिर्ची को मैंने, मुझे ना पहले ही डालना था पर नहीं डाल पाई थी, याद है भूल गई थी मैं, तो इस वजह से। और फिर इसको धो के और बीच से थोड़ा सा कट लगा लगा के रखेंगे ना, तो उसका भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम टेस्ट आ जाता है इसलिए।
खट्टा और तीखा एकदम, बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने के बाद। इसको चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, एकदम मज़ा आ जाएगा खाने में। आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिएगा। ये मेरी मम्मी ना 2-3 दिन पहले बनाई थी और मुझे मैंने देखा था वीडियो कॉल में, तो तब से मेरा मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने आज लेके आई हूँ और आज मैंने इसको बनाया है। और बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे ये खाने में। और जो भी मसाले मैंने पीसे थे ना, वही सारे मसाले जैसे सब्जी बनता है उसी तरह से इसको बना लेंगे। लेकिन मेरे से गलती हो गई थी ना कि इसको थोड़ा सा, ये जो मैंने आमला डाला ना उसको थोड़ा सा बाद में डालती ना, तो थोड़ा टाइट टाइट रहता और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा हल्का सा एकदम मुलायम हो गया था, जो कि मुझे उस टाइप का नहीं अच्छा लगता, बाकी लोग खाते होंगे। और नमक भी मैंने साथ ही साथ जैसे सब्जी बनता है वैसे ही मैंने बनाया है, और लगभग इसी तरह का है। और कुछ देर रहने के छोड़ दिया था मैंने, और ये ढकने के बाद जब मैंने दोबारा से देखा इसको, तो इस टाइप का हो चुका था। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और जितना मुझे पानी चाहिए था उतना ही पानी मैंने मिला लिया है इसमें। लगभग मेरा बन के रेडी हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और सावन की ढेरों बधाइयाँ आप।